नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज है 23 सितंबर दिन बुधवार। तो चलिए बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, और अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में अब तक कोरोना महामारी की संख्या 1,71,465 तक पहुंच चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1,609 मामले सामने आए हैं, और पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल मरने वालों की संख्या 870 तक पहुँच गई है। राज्य में अब तक 1,55,824 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,381 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें भारत में, तो भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 55 लाख के पार हो गई है। वहीं करीब 79,000 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हालात काफ़ी बेहतर है। वहीं देश में संक्रमण से 80% से ज़्यादा संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, और मृत्यु दर लगातार घट रही है। भारत में कुल 55,62,483 लोग कोरोना संक्रमित है, जिसमें से 44,97,867 मरीज संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, और संक्रमण से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 80.86% है। हर दिन रिकवरी रेट बढ़ती ही जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत अच्छी स्थिति में है। तो बिहार में अब स्कूल 28 सितंबर से खुलेंगे। जी हां, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने स्कूलों को खोले जाने को लेकर रणनीति बनाई है। मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग में 28 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। एक छात्र सप्ताह में 2 बार ही स्कूल जाएगा, लेकिन यह सब अभिभावकों की मर्जी पर ही निर्भर होगा। पेरेंट्स चाहेंगे तभी उसका बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल की तरफ से कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। बिहार के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अगले कुछ दिनों में अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वह पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में अपना नई पारे की शुरुआत करेंगे। सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही वे सरकार को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। विधानसभा चुनाव में गुप्तेश्वर पांडे को बक्सर या भोजपुर की किसी सीट से NDA का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बिहार के HIV और हेपेटाइटिस संक्रमित के लिए राहत बड़ी खबर है। अब ऑपरेशन को लेकर उन्हें समस्या नहीं होगी। उनका ऑपरेशन पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH में हो सकेगा। PMCH के हाईटेक वार्ड में विशेष OT बनाई गई है, जहां सिर्फ ऐसे ही संक्रमित मरीजों का ऑपरेशन किया जाएगा। अब तक ऐसे मरीजों के साथ काफ़ी मुश्किलें होती थी। ना तो पटना मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन हो पाता था, और ना ही प्राइवेट अस्पताल राजी होते थे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया। तो वहीं दूसरी तरफ, जब मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेडिकल कॉलेज के नव निर्मित हाईटेक इमरजेंसी वार्ड का उद्घाटन कर रहे थे, उसी समय डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में डॉक्टर दुश्वारियों से जूझ रहे थे। OPD की छत हल्की सी बारिश में पूरी तरह से टपक रही थी, जिससे डॉक्टर के साथ मरीज भी परेशान हो रहे थे। स्वास्थ्य सेवा को लेकर नीतीश एक तरफ दावे पर दावे किए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ 2 साल पहले बनाया गया न्यूरो का OPD व्यवस्था की पोल खुल रहा था। चुनावी साल में बिहार को केंद्र सरकार अब तक 4,366 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दे चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद बिहार में हाल के दिनों में बेरोजगारी के बड़े आंकड़े उससे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने तो बेरोजगारी पोर्टल तक इसको लेकर लॉन्च कर दिया है, और राजद के दावों के अनुसार अब तक 5 लाख से ज़्यादा बेरोजगार बिहारी युवा उस पर अपना बायोडाटा डाल चुके हैं। विपक्ष के इस दावे को BJP सिरे से खारिज कर रही है। भाजपा के लिए मुश्किल ये है कि सिर्फ राजद ही नहीं बल्कि कई निजी रिसर्च एजेंसियों के आंकड़े भी यही बताते हैं। तो इसी को पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में ऑप्टिकल फाइबर का शिलान्यास किया गया, जिससे अब बिहार के 45,945 गांव तक इंटरनेट सुविधा पहुंचाई जाएगी। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि बिहार को रोजगार की जरूरत है या फिर ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट की।
24 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिन के 12 बजे से वर्चुअल माध्यम के जरिए बिहार के शिक्षकों और स्नातकों को संबोधित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिंक भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री की इस वर्चुअल सभा की सीधा प्रसारण बिहार भाजपा के यूट्यूब और फेसबुक पेज के जरिए भी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद एक शिक्षक रह चुके हैं, इसके अलावा बिहार के जरूरत से भी अच्छे से वाकिफ है। 8 नवंबर को मिथिलांचल के लोगों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। 8 नवंबर से दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई व बेंगलुरु के लिए रोजाना 3 जोड़ी स्पाइस जेट फ्लाइटों का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इसने सोमवार को दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से मुंबई व दरभंगा से बेंगलुरु के लिए 6 विमान का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इन फ्लाइटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। दरभंगा से इन तीनों मेट्रो शहरों के लिए शुरू में प्रमोशनल फेयर 3799 रुपये रखा गया है। दरभंगा से फ्लाइट शुरू होने से साल छठ व दीपावली में दरभंगा के अलावा मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी पश्चिम चंपारण, सहरसा, पूर्णिया के अलावा नेपाल के जनकपुर, विराटनगर के लोगों को पटना आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 नवंबर से दरभंगा, पटना व गया के बाद बिहार को ऐसा तीसरा शहर हो जाएगा जहाँ से रोजाना सर्विस फ्लाइट ऑपरेट करने लगेगी। बिहार के 13 विश्वविद्यालयों में 4638 सहायक प्रोफेसर की बहाली के लिए 2 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य के विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन 2 नवंबर तक लिए जाएंगे जबकि रजिस्ट्रेशन 23 सितंबर से होगा। ऑनलाइन किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी बिहार राज्य विवि सेवा आयोग कार्यालय में 24 नवंबर तक मिल जाना चाहिए। मंगलवार को आयोग के सचिव ने बहाली संबंधी सूचना जारी कर दी। साथ ही आपको बता दें कि महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण प्रावधान के अनुसार विभिन्न कोटि के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय के बाद शेखपुरा शिव मंदिर, बैंक रोड शक्तिधाम मंदिर मीठापुर और कांग्रेस मैदान जैन मंदिर बहादुरपुर स्थित जैन मंदिर समेत शहर के अधिकांश मंदिर 21 सितंबर यानी सोमवार से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। अपने आराध्य का दर्शन कर भक्त भाव विरोह हो उठे हैं। मंदिर परिसर भगवान के जयकारे एवं जयकोष से गूंज उठा है। सभी मंदिरों में मास्क लगाकर आने वालों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। तो वहीं अब पटना से मेट्रो में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य आरंभ की शुरुआत की। पटना मेट्रो रेल परियोजना का काम 5 वर्षों में पूरा करना है। हालांकि प्रायोरिटी कॉरिडोर और डिपो का निर्माण 3 वर्षों में ही पूरा करना है। अर्थात प्रायोरिटी कॉरिडोर और डिपो का निर्माण पूरा होने के बाद आप पटना में मेट्रो रेल से आप सफर कर सकते हैं। तो अगली बड़ी खबर, जेई एडवांस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी जेई एडवांस की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 27 सितंबर को विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा होनी है। सीबीएसई संगठन ने पीआरओ सतीश कुमार ने बताया कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार जेई एडवांस परीक्षा का रिजल्ट 5 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद 6 अक्टूबर से सीटों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अगली बड़ी खबर, कोलकाता और चेन्नई के बाद देश का तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया है पटना। जी हां, एक दिन में यात्रियों की आने जाने की संख्या में रविवार को पटना एयरपोर्ट देश भर में तीसरे नंबर पर रहा है। रविवार को पटना एयरपोर्ट पर 10,000 से अधिक यात्रियों ने आना जाना किया। 12,500 यात्रियों की आवाजाही की संख्या के साथ चेन्नई दूसरे नंबर पर रहा। एयरपोर्ट निदेशक बीएसजी नेगी ने बताया कि कोलकाता एयरपोर्ट देश भर में पहले नंबर पर रहा जहां रविवार को 27,500 यात्रियों की आवाजाही रही। तो अंत की सबसे बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। इधर चुनाव आयोग ने भी गाइडलाइन जारी कर दिया है कि चुनाव हो लेकिन कोरोना से बचाव और सावधानियों के साथ हो। ऐसे में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका दिया है। 27 सितंबर को पटना में वोटर लिस्ट के अंदर अपना नाम जुड़वाने के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सभी मतदान केंद्रों पर स्पेशल कैंप लगाकर वोटर
वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़े और पुराने नाम हटाए जाएंगे। अगर आपने अब तक अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वाया तो आप इस स्पेशल कैंप में जाकर अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।